हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हिना जोगी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आई थिंक सभी की फेवरेट होती है, तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन बनाने की रेसिपी मैं आपको डिटेल में विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि तंदूरी चिकन बहुत ही ड्राई हो जाता है। मैं जिस मेथड से आपको बताऊंगी, अगर आप उस मेथड से बनाएंगे तो आपका चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होगा। ये बहुत सिंपल रेसिपी भी है। चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन के मीडियम साइज के 6 क्वार्टर पीसेस ले लिए हैं। सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपको चिकन के पीसेस की साइज बहुत बड़ी नहीं लेनी है। चिकन के बड़े साइज के क्वार्टर पीसेस लेने में उसे टेंडन करने में बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले चिकन के पीसेस में इस तरीके से थोड़ा सा डीप कट लगा लेंगे। बहुत सुपरफिशियल कट ना हो, कट थोड़ा डीप ही रखें। डीप कट से चिकन प्रॉपरली अंदर तक कुक हो जाता है। ये देखिए, सारे पीसेस में कट लग चुके हैं। अब चिकन का मैरिनेशन रेडी करेंगे। एक डीप प्लेट ले लें, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक टिप ये है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट आपका वाटरी ना हो, कम से कम पानी में पिसा हुआ हो। 2 टेबलस्पून हंकड़ ले लेंगे। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून सॉल्ट। इस बात का ध्यान रखना है कि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नमक लेना है। 1 स्क्वीज किया हुआ लेमन जूस। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर दूंगी। फूड कलर ऑप्शनल है, ये लुक को इन्हेंस करता है। फूड कलर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लें। और एक टिप मेरी ये है कि ऑयल का यूज़ करने से मसाला जो है चिकन पे अच्छे से लग जाता है और स्टिक भी रहता है और चिकन को ड्राई भी नहीं होने देता। तंदूरी के मसालों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। अब मसालों को चिकन पे अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मसालों को कट्स के अंदर भी लगा लें और चिकन के दोनों साइड पे भी मसाला अच्छे से लगा लें। इसी तरीके से सारे पीसेस में मसाला लगा लेंगे। ये देखिए, मसाला लग चुका है। अब मैं इसे क्लिंग रैप करके ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे मिनिमम 2 आवर्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी देर चिकन मैरिनेट होकर रखा रहेगा, उतना ज़्यादा सॉफ्ट और उतनी ही जल्दी कुक होगा। चिकन मैरिनेट हो गया है। अब इसे विदाउट तंदूर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बर्नर पे इस तरीके से एक कोयला सुलगा लें और एक छोटी कटोरी को चिकन के बीच में इस तरीके से रख दीजिए। सुलगते हुए कोयले को कटोरी में रख देंगे और इसमें घी या ऑयल पोर करके इसे फौरन ढक देंगे और इसे इतनी देर तक ढके रहें जब तक स्मोक सबसाइड ना हो जाए। कोयले से स्मोक देने से इसमें अच्छा तंदूर का स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास तंदूर या ओटीजी अवेलेबल नहीं है तो इसी तरीके से चिकन को स्मोक देकर आप फ्राई कर लीजिए। अब एक पैन ले लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। तेल गर्म होने पे चिकन की पीसेस इस तरीके से रख देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को एक साइड से फ्राई करेंगे, तब तक फ्लेम को मीडियम हाई ही रखना है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे ढक देंगे। ढक के फ्लेम को मीडियम लो कर देना है। 7 से 8 मिनट के लिए इसे एक साइड से ढक के कुक करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके इसे ढक देंगे और 8 मिनट के लिए इसे और कुक कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है। दूसरी साइड से भी कुक होते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब एक नाइफ से चेक करके देखेंगे कि चिकन अंदर तक कुक हुआ है कि नहीं। ये देखिए, नाइफ इजीली अंदर तक चली जा रही है, इसका मतलब चिकन अंदर तक कुक हो चुका है। टोटल हमें 20 से 22 मिनट लग गए इसे प्रॉपरली कुक करने में। फ्लेम ऑफ करके चिकन को प्लेट में निकाल देंगे। अब लास्ट स्टेप में एक नेट ले लेंगे। नेट पे चिकन को इस तरीके से रख देंगे। नेट को बंद करके फ्लेम ऑन कर देंगे। चिकन को एक साइड से अच्छे से चार कर लेंगे। साइड चेंज करके लगभग 1 मिनट के लिए चार कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई भी नेट नहीं है तो इसे चिमटे से पकड़कर भी चार कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने से प्रॉपर एक तंदूरी वाला लुक आ जाता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन बनके तैयार है। इसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये तवे पे बना है। इसे स्मोक देने से अच्छा स्मोकी फ्लेवर और चार करने से इसमें अच्छा सौंधापन आ गया है। बहुत ही अमेजिंग बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी चिकन बनके तैयार हुआ है। मैंने तंदूरी चिकन बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दिए हैं। अगर आप इस प्रोसेस से अपना तंदूरी चिकन तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।